थे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयल दी छिड़ंग बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, या खौरे तेरे कैनवस ते उत्ते एक रहस्यमय लकीर बन के खामोश तैनू तकदीर आवांगी, मैं तैनू फिर मिलांगी, या खौरे सूरज दी लौ बन के तेरे रंगा विच गुलांगी, या रंगा दियां बावां विच बैठ के तेरे कैनवास नूं वलांगी, पता नहीं किस तरह किथे पर तैनू जरूर मिलांगी, या खौरे एक चश्मा बनी होवांगी ते जिवें झरनिया दा पानी उड़दा है मैं पानी दियां बूंदा तेरे पिंडे ते मलांगी, ते एक ठंडक जिही बन के तेरे छाती दे नाल लगांगी, मैं होर कुछ नहीं जानती पर एना जानती हाँ कि वक्त जो भी करेगा ए जन्म मेरे नाल तुरेगा, ए जिस्म मुकदा है ते सब कुछ मुक जाता है, पर चैतियां दे धागे कायनाती कणा दे होंदे, मैं उना कणा नू चुनांगी, धागिया नू वालांगी ते तैनू मैं फिर मिलांगी। ये कविता जो अभी आपने सुनी और मैंने कही, ये अमृता जी की अमृता प्रीतम, मैं तैनू फिर मिलांगी कविता थी। आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि कविताएं पढ़ने और कभी कभी लिखने का शौक मुझे है, फिर चाहे वो गुलजार साहब के नज़्म हो या मिर्ज़ा गालिब के गज़ल, अमृता जी की पोएम हो अमृता प्रीतम या जॉन एलिया के नज़्म हो, उन सब में से मेरी सबसे पसंदीदा पोएम है मैं तैनू फिर मिलांगी। और अब बात करते हैं जो पोर्ट्रेट मैंने बनाया, मैंने ये आलिया भट्ट का पोर्ट्रेट बनाया था, ये मैंने वाटर कलर से बनाया है और इसको मैंने 4 बार बनाया था। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि पहले 3 अटेम्प्ट में पेपर सही नहीं था और मैं इस पेपर के आने का वेट कर रही थी, ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था, मैंने सोचा कि बाकी पेपर्स जो मैंने कभी ट्राई किए नहीं थे उन पे ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता वो पेपर सही हो, बट वो पेपर सही नहीं थे। तो आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स फाइनली 4th अटेम्प्ट में ये बना। 4th अटेम्प्ट तक आते आते थोड़ी सी पेशेंस लूज हो गई थी, बट आई थिंक आई डिड अ प्रिटी गुड जॉब और वीडियो बनाने में और उसको एडिट करके अपलोड करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।